प्रेस क्लब बुलेटिन में मैं हूँ रियाज अहमद खान। अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर यानी सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का ऐलान किया है। इसको लेकर पीलीभीत में भी संयुक्त किसान मोर्चा सक्रिय है और बाजार बंदी के प्रयास में भी जुटा है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस व आम आदमी पार्टी सहित कई दलों व संगठनों ने बंदी को लेकर अपना समर्थन किसानों को दिया है। बंदी को लेकर जिला प्रशासन व भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। उधर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इसको लेकर सक्रिय हैं। अधिकारियों ने तहसील व थाना स्तर पर बैठक करके बंद में सहयोग न करने को लेकर व्यापारियों के साथ बैठक की है। पूरनपुर में SSP डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बैठक ली। यहाँ किसान नेता बंद को सफल बनाने के प्रयासों में जुटे रहे। समस्याओं का निस्तारण ना होने से नाराज राइस मिलर इस बार अपने राइस मिल नहीं चलाएंगे और धान की खरीद भी नहीं करेंगे। CMR का चावल भी नहीं बनाएंगे। पूरनपुर में हुई राइस मिलर्स एसोसिएशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुखदेव सिंह से बात की हमारे संवाददाता सरफराज अहमद खान ने। बीसलपुर के अमृता खास निवासी विजय लाल से जयपुर के लोगों ने एक साल में दोगुने करने के नाम पर 1,71,000 रुपए ठग लिए। जयपुर के ज्योति कुमार, पवन व राजकुमार के खिलाफ दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से सटे दुधवा नेशनल पार्क के मैलानी वन रेंज के भरिगवा बीट में छेदीपुर गांव के निकट जंगल के किनारे एक बाघ का शव बरामद किया गया है। बाघ की मौत कैसे हुई इस पर असमंजस बना हुआ है। विभागीय अधिकारियों ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। नेपाल के शुक्ला फंटा सेंचुरी में पीलीभीत तरफ आए नेपाली हाथी एक दिन पूर्व मोहम्मदी तरफ चले गए थे। अब यह हाथी दोबारा मैलानी रेंज की तरफ लौट आए हैं। माना जा रहा है कि हाथी वापस नेपाल के रास्ते पर चल पड़े हैं। उधर हाथियों का एक झुंड PTR की बराही रेंज क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिसकी दहशत किसानों में बनी हुई है। हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। सेरामा उत्तरी के ग्राम माती माफी में अधिवक्ता VP सिंह का करीब 35-40 वर्ष पुराना लिंटर गत दिवस अचानक ढह गया। खास बात यह है कि सभी दीवारें व कमरों का लिंटर पूरी तरह सुरक्षित है। ढहे लिंटर का निचला हिस्सा पलटकर ऊपर आ जाने को लोग अचंभा मान रहे हैं। उधर घुंचाई चौकी के सामने दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को शक के आधार पर उठाया। विरोध में ग्रामीणों ने चौकी घेरी किया हंगामा। पुलिस ने पकड़े हुए व्यक्ति को छोड़ा तब जाकर थमा बवाल। देखिए किस तरह हुआ हंगामा। योगी आदित्यनाथ ने 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई है। पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के जितिन प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया है। इससे पहले श्री प्रसाद केंद्र सरकार में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और भूतल परिवहन राज्य मंत्री रह चुके हैं। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना पहले से ही योगी मंत्रिमंडल में पावरफुल मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में पीलीभीत जिले की फिर उपेक्षा की गई है। यहाँ के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है। कद्दावर ब्राह्मण नेता विनोद तिवारी को भी अनदेखा किया गया है, जबकि डॉक्टर विनोद तिवारी को मंत्री बनाए जाने की मांग काफ़ी समय से चल रही है। उन्हें मंत्री ना बनाने से तिवारी समर्थक मायूस हो गए हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष अशोक वाजपेयी ने कहा, मंत्रिमंडल विस्तार में श्री जितिन प्रसाद जी को कैबिनेट सर्कल मंत्री बनाए जाने पर अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा पीलीभीत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करती है। ब्राह्मणों में हर्ष की लहर प्राप्त हुई है। वहीं दूसरी ओर पीलीभीत जनपद के डॉक्टर विनोद तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर हल्की सी ब्राह्मणों में निराशा भी हुई है।
पूरनपुर के लिए एक और गौरव की बात है। पूरनपुर निवासी मौलाना नूर अहमद अजहरी को उत्तर प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इस पर उनको बधाइयां मिल रही हैं। पीलीभीत में ड्रमनगंज ट्रस्ट की 52 दुकानें गायब हो गई हैं। इसको लेकर व्यापारी नेता संजीव मिश्रा हाई कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के अधिकार में 303 दुकानें होना बताई गई, जबकि नगर पालिका के पास सिर्फ 251 दुकानों के अभिलेख मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए पीलीभीत में रेलवे स्टेशन के पास एकत्र हुए भाजपाई, मन से सुनी पीएम के मन की बात। जनपद भर में रेडियो, टीवी व मोबाइल से चिपके रहे लोग। भारत नेपाल सीमा खोलने के आदेश 4 दिन पहले नेपाल सरकार ने दे दिए थे, इसके बावजूद सीमा पर आवाजाही शुरू नहीं हो सकी। आज भी भारत व नेपाल तरफ से आने जाने वालों ने वाहन छोड़कर सीमा पार की, इसको लेकर लोगों में रोष देखा जा रहा है। सकरिया स्थित गुरुद्वारा भगत धन्ना में 26 दिन से चल रहे समागम का आज समापन हो गया। इस अवसर पर काफ़ी अधिक संगत जुटी, लोगों ने लंगर में प्रसाद छका, यहां कैंप लगाकर दवाइयों का निशुल्क वितरण भी किया गया। संत बाबा बलकार सिंह ने संगत को निहाल किया और संदीप खंडेलवाल सहित सेवादारों को सरोपा भेंट करके सम्मानित किया। बरसात के मौसम में डाउन रहा पुलिस का चालानी सीजन, आज हुए सिर्फ 28 चालान। बिना मास्क वाले 2 लोगों से वसूल पाए सिर्फ 2,000 रुपये जुर्माना। बीसलपुर के ईट गांव में आरएसएस ने लगाई एकत्रीकरण कार्यशाला, सह विभाग प्रचारक भद्रपाल, रविंद्र कुमार आदि यहां मौजूद रहे। पीलीभीत स्थित एकता सरोवर पार्क अब काफ़ी सुंदर बन गया है और यहां अब काफ़ी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। आइए आपको कराते हैं सुंदर स्थान की सैर। और अब पीलीभीत के मौसम की जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ढाका। आज पीलीभीत जनपद में अधिकतर समय धूप छाई रही और बीच बीच में बादलों की आवाजाही भी रही। आज अधिकतम तापक्रम 32.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब अगले 24 घंटे के बारे में भी पूर्वानुमान है कि अधिकतर जगहों पर धूप छाई रहेगी और बीच बीच में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। पूरनपुर के आर्य समाज धर्मशाला और बिलसंडा के घनश्यामपुर में रामकथा सप्ताह के दौरान प्रवचन जारी रहा। पंडित राजेश शुक्ल पंकज ने आज सुंदर प्रसंग सुनाया। हमेशा और अब पंडित रवि शास्त्री से जानिए तिथि, नक्षत्र व शुभ मुहूर्त के बारे में। अश्वान कृष्ण पक्ष पंचमी प्रता षष्ठी तिथि है, आज दिन रविवार है। आज श्राद्ध की कोई विशेष तिथि नहीं है। कल का पंचांग मैं आपको बता रहा हूँ। कल षष्ठी तिथि है, सोमवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। षष्ठी का श्राद्ध कल सोमवार को ही किया जाएगा। कल का राहु काल 7:50 से 9:20 तक रहेगा। कल का अभिजित मुहूर्त 11:53 से 12:45 तक रहेगा। श्राद्ध में कुश का तर्पण में कुश का प्रयोग अवश्य करें। कुश तिल जौ चावल परम आवश्यक है। जय श्री कृष्ण। इसी के साथ आज का ये प्रेस क्लब का समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर एंड गुड नाइट।